भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिजनौर में एक रैली की। अमित शाह ने इस रैली में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि हिंदू आतंकवाद का उपयोग कर कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम किया है, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, राहुल गांधी ने राजनीति को भी गंदा किया है, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गाजियाबाद की जनसभा में कहा कि राहुल गांधी नकारात्मक बातें करते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर केरल की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस अमेठी में उनका हिसाब किताब नहीं होना क्योंकि उनको पता है कि इस अमेठी में उनका हिसाब किताब होना तय है। आज तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। मैं इस मंच से, नगीना की भूमि से, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि से कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि आपको देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बताओ भाइयों बहनों, माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? और जोर से बोलो, मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया है। और इसी के कारण कभी भी हिंदू समुदाय पर केरल का टैग नहीं लगा था, आपने लगाया, मगर सत्य को आप छुपा नहीं सकते। कितने भी बादलों में सूर्य को ढक दो, सत्य और सूर्य दैवी विमान होकर आकाश के अंदर तेजस्वी बनकर वापिस आते हैं। आज ये जजमेंट ने तय कर दिया कि स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोग निर्दोष। कांग्रेस की ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसी